मार्क्सवाद, जिसकी शुरुआत 1848 में दास कैपिटल से हुई थी, जो कार्ल मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पैम्पलेट थी, जिसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, दास कैपिटल और पूंजीवाद। 1867 में मार्क्स ने दोनों पैम्पलेटों को जर्मन भाषा से रूसी भाषा में ट्रांसलेट किया, जिसके बाद दोनों पैम्पलेट रूस में इतनी प्रसिद्ध हुई जिससे मार्क्स को दास कैपिटल के नाम से जानने लगे। जिस पर मार्क्स का मानना था कि मानव समाज एक दर्शन शास्त्र के विषय की तरह है, जो देखने में जितना आसान लगता है उतना ही कठिन है, जिससे मार्क्स अपने कानून का अध्ययन करते समय दर्शन शास्त्र की तरफ आकर्षित हुए। और मार्क्स की सबसे ज्यादा रुचि जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विलियम में थी, जिसके बाद मार्क्स यहूदी रिलीजन को छोड़कर एक कम्युनिस्ट बन गए, जिसके बाद 1841 में मार्क्स ने एरकिप दास नाम की एक एथिसम पत्रिका लिखनी शुरू की, जो कभी सफल नहीं हुई। फिर मार्क्स 1842 में कॉलेज चले गए, जहां उन्होंने एक कट्टरपंथी अखबार रेनी सी जिंतू में काम करना शुरू कर दिया और समाजवाद पर अपने पुराने विचारों को लिखना शुरू कर दिया, जिससे अखबार पर पर्सियन सेंसर की नज़र पड़ी और उन्होंने अखबार को बंद करा दिया। मार्क्स जिस किताब की नई योजना बना रहे थे उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मजदूरों को उनके काम के हिसाब से पूरा श्रम मिलना। लेकिन किताब को सरकारी सेंसर से बचाने के लिए मार्क्स ने उसे द प्रॉपर्टी ऑफ फिलोसफी नाम से पब्लिश किया। मार्क्स की इस किताब ने सबसे अधिक प्रसिद्धि पकड़ी, जिसे बाद में एक कम्युनिस्ट किताब घोषित कर दिया गया और मार्क्स ने 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पब्लिश किया, जिसे दिसंबर 1847 से लेकर जनवरी 1848 तक लिखा था। फिर मार्क्स अपने शुरुआती दौरे में लंदन चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, जिससे उनके परिवार को गरीबी और भुखमरी का सामना करना पड़ा। और मार्क्स की वाइफ जीनी ने आर्थिक मंदी के होने के कारण उन्हें पत्र को पब्लिश करने से मना कर दिया। मार्क्स की तीसरी पत्रिका द कम्युनिस्ट लीग, जिसे पब्लिश होने के एक दिन बाद बंद कर दिया गया था, जिसकी ओर लोग तेजी से आकर्षित हुए, जिस पर स्पेनिश अखबार द कॉर्पोरेट ने उसकी वापसी की, जिसमें रेनिस जेंतुंग भी शामिल था। मार्क्स पूंजीवाद और समाजवाद को खत्म करने के बाद एक कम्युनिस्ट लीग रखना चाहते थे, जिसमें रह रहे सभी लोग पूंजीवाद की तरफ ध्यान ना देकर अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया करें, जिससे सभी मानव सभ्यता तेजी से विकसित होगी। जिससे स्पेन की सरकार ने मार्क्स और उनके सभी दोस्तों पर क्रांतिकारी पत्र लिखने और समाजवाद को तोड़ने के ऊपर मुकदमे कर दिए। मार्क्स की सफल थीसिस 1860 में सफल हुई, जिसने तीन पत्र को पब्लिश करने के लिए उन्हें अनुमति दी, जिनमें से तीसरी पत्रिका अधूरी रह गई। कार्ल मार्क्स अपनी तीसरी पत्रिका लिखते टाइम अधिक बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका को लिखना बंद नहीं किया और 14 मार्च 1883 को उन्हें अपनी पत्रिका बंद करनी पड़ी।